बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो सभी व्यूअर्स कैसे हैं? उम्मीद है कि सब अच्छे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी अच्छी हूँ। तो व्यूअर्स, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ लखनऊ की फेमस बिरयानी, क्योंकि इदरीस की बिरयानी यहाँ की बहुत फेमस है। तो चलिए हम बनाते हैं और आप लोग साथ साथ रहिए कि ये बिरयानी कैसे बनती है। तो जिसके लिए हमने ये 1 किलो चिकन ले लिया है, और आप मटन में भी बना सकते हैं, बीफ में भी बना सकते हैं। इसको धो करके और इसका पानी सारा हमने स्ट्रेन कर लिया है। अब इसमें हम इसको मैरिनेट करेंगे, क्योंकि मैरिनेट करने से बहुत अच्छा सा इसका टेस्ट आता है, अंदर तक मसाले चले जाते हैं। तो लहसुन हम लेंगे 3 टेबल स्पून, लहसुन, और अदरक का पेस्ट भी हम बराबर का ही लेंगे, 3 टेबल स्पून। बिरयानी में हमेशा लहसुन और अदरक ज़्यादा जाता है। और ये हमने एक बड़े साइज़ की प्याज ऑमलेट कट काट ली है, ये भी हम डाल देते हैं। आप इसको पीस के भी डाल सकते हैं, लेकिन मैरिनेशन में ये गल जाती है। और ये हमने कुछ खड़े मसाले, 1 तेज़पत्ता, 3 छोटी इलायची और 8 से 10 लौंग ले लिए, और थोड़ा सा ये दालचीनी ले ली है। तो इसको भी हम डाल देंगे इसमें। अब हम इसमें डाल देंगे नमक। तो नमक अभी हम थोड़ा डाल रहे हैं, बाद में टेस्ट करेंगे फिर और डालेंगे। मिर्च हम डालेंगे अब। तो ये मिर्च हम ले रहे हैं, ये भी 1 टेबल स्पून है। इस चम्मच का मेजरिंग करते हैं तो ये 1 टेबल स्पून आता है। अब हम डाल देंगे इसमें थोड़ा सा ऑरेंज फूड कलर, तो देखिए ये 1/2 टीस्पून जो है ये ज़ाफ़रानी कलर है, ये हम डाल देंगे। और अब हमको डालना है इसमें दही। तो व्यूअर्स, देखिए हमने इस चम्मच से 2 चम्मच दही डाला है, और दही अच्छा वाला डाला है, खट्टा वाला नहीं डाला है। तो सारी चीज़ें हम डाल करके इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो व्यूअर्स, देखिए मैरिनेशन कंप्लीट हो गया। अब हम इसको ढक के फ्रिज में रख देते हैं, और फिर हम 1 से 2 घंटे के बाद इसको पकाएंगे। तो व्यूअर्स, देखिए ये हमने एक कढ़ाई ले ली है और गैस ऑन करके चढ़ा दिया है, और इसमें हमने ऑयल डाल दिया है 250 ग्राम। तो हमने अपने हिसाब से नॉर्मल जो कप चाय का होता है 3 कप ले लिया है। आप इतना अगर ऑयल डालेंगे तो बिरयानी बहुत ही अच्छी बनेगी और रूखी नहीं बनेगी। तो ये देखिए चिकन हमने मैरिनेटेड निकाल लिया है फ्रिज में से, और इस साइज़ की प्याज हमने 3 प्याज लेकर के और इसको बारीक काट लिया है। बहुत ज़्यादा यानी कि नॉर्मल जो कटिंग होती है वैसे आप कर लीजिए बारीक सी, और फिर इसको हमें फ्राई कर लेना है। तो बिरयानी में हमेशा प्याज जो है फ्राई करें, तो बहुत ज़्यादा फ्राई ना करें। और इस तरह से प्याज को फ्राई कर लेंगे, और इसके बाद हम बस ये देखिए फ्राई हो गई है। अब हम इसमें मैरिनेटेड चिकन डाल देंगे, और ये जो मैरिनेटेड चिकन होता है इससे बिरयानी का टेस्ट कुछ ज़्यादा ही टेस्टी हो जाता है, क्योंकि जो इसमें मसाले पड़े होते हैं वो अंदर तक के बिल्कुल इसमें जज्ब हो जाते हैं, और खुशबू वाले मसाले भी होते हैं, तो इसके अंदर से जो बोटी में जो टेस्ट होता है ना वो बहुत ही टेस्टी लगता है। और तो देखिए ये हमने अब क्या किया है कि जो खड़ा मसाला था ये हमने मैरिनेशन में नहीं डाला था, वो खड़ा मसाला हमने डाला था, ये अब हम वही खड़ा मसाला दूसरी तरह से इसको पीस के डालेंगे। तो उस टाइम भी हमने आपको कुछ खड़े मसाले दिखाए थे मैरिनेशन में, तो उसकी भी खुशबू उसके अंदर रच बस गई है, और हमने उसको तो कढ़ाई में डाल दिया। अब हम ये बाद में डालेंगे, तो जब चिकन गल जाएगा। तो ये देख लीजिए आप, ये हमने ले लिया है 1 टीस्पून जायफल है, छोटा टुकड़ा जौत का है, और सॉरी ये जावित्री है, जावित्री है, जौत है, 10 छोटी इलायची और 8 से 10 लौंगे ले लिए हैं। इसको सबको हम ड्राई रोस्ट करके और एक पाउडर बना लेंगे। और ये चिकन जो है ये अच्छी तरह से भुन चुका है, तो इसमें आप देख रहे हैं कि तरी भी ऊपर आ गई है। तो अब हमने क्या किया है कि गैस को बंद कर दिया है, फ्लेम को बंद करके, और चिकन अच्छी तरह से गल गया है। तो अभी हम दिखाते हैं कि अब हमको क्या करना है इसमें।
तो अब हमको ये करना है कि जो हमने ड्राई रोस्ट करके मसाले रखे हुए थे खुशबू वाले, उसको बारीक हमने पीस लिया है और पीस के इसी में हमने मिक्स कर दिया है। तो अगर हम इसको पहले डाल देंगे ना तो इसकी खुशबू जो है निकल जाती है, और हमेशा आप ये वाला मसाला बाद में डालें, जब आप पूरा चिकन भून लें तब डालें। और अब हमने क्या किया है कि एक गिलास में दूध, बिल्कुल मलाई वाला था, और ये दूध है 250 ग्राम, तो हम ये अखनी में हम डाल देंगे, जिससे कि इसमें ये होगा कि अखनी जो है थोड़ी सी पतली हो जाती है, और जो आप चिकन के पीस है उसमें जो मसाला लिपटा होता है वो भी नहीं लिपटेगा, और अगर यानी कि गाढ़ी अखनी रहेगी तो बोटी में मसाला रहेगा और फिर बिरयानी टेस्टी नहीं लगती है। तो हमेशा आप चाहें तो 250 ग्राम दूध डालें या इससे ज़्यादा भी डाल सकते हैं। और इसके बाद हमने चावल को पकाते बॉईल करते नहीं दिखाया है क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, और इसके पहले भी हमने बिरयानी की बहुत सारी वीडियोज़ डाली हैं तो आप लोग देख सकते हैं, और चावल को किस तरह से पकाना है उसमें देख लें। 90% आप चावल को गला देंगे, 80 से 90%, और 2 कनी वाला चावल होना चाहिए ये भी बता दे रहे हैं। तो इस तरह से चावल को पसा करके बॉयल करके उसके ऊपर से हमने चिकन जो है वो डाल दिया है अखनी, और बिल्कुल गरम गरम ही चावल हमने पसा करके, और ठंडा नहीं करना है, बस गरम गरम चावल रहेगा उसको एक तह लगाएंगे, एक लेयर लगाएंगे, फिर उसके ऊपर से हम डाल देते हैं अखनी, और उसके ऊपर से फिर से हम चावल डाल देते हैं। तो इस तरह से अगर आप चावल पे ध्यान देंगे तो हमेशा खिला खिला चावल बनेगा, और चावल को हमने 1 घंटा पहले भिगो दिया था तो बढ़िया वाला ये बासमती पुराना चावल था। तो गर्मी के दिन है तो आप इसको कम भिगोइए, आधा घंटा भी भिगो सकते हैं, लेकिन हमने 1 घंटा पहले इसको भिगोया था। तो आप खुद ही देख लें कि चावल कितना खिला खिला बना है। और बस हमने फिर गैस की फ्लेम को ऑन करा है, उसके ऊपर एक हमने तवा रखा है, और ये हमने दूध में ज़ाफ़रानी फूड कलर, ऑरेंज फूड कलर जो होता है, तो डार्क वाला नहीं लिया है क्योंकि मेरे घर में हल्का पसंद किया जाता है, तो हमने हल्का कलर लेकर के दूध में उसको घोल करके और इसमें डाल दिया है। और इसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमने तीरा निकाला था यानी कि जो ऊपर से तरी निकाली थी अखनी की, वो हमने डाल दिया है, और केवड़ा वाटर हम लास्ट में डालेंगे। अगर आपके पास बिरयानी का एसेंस है तो वो भी आप बिल्कुल लास्ट में डालिए जब चावल में दम लग जाता है। तो चलिए अब हम इसमें डाल देते हैं, 1 बड़ा चम्मच हमने ये देसी घी का ले लिया है, जिससे कि बिरयानी के टेस्ट में और 4 चांद लग जाएंगे। तो जो भी खाएगा, चाहे घर का हो या बाहर, यानी कि अगर आपने दावत की जो गेस्ट आए हैं तो वो भी वाह वाह करे बगैर रहेंगे नहीं। तो बिरयानी बन के रेडी हो गई है, दम लग चुका है, और इसमें केवड़ा और हमने पुलाव का एसेंस डाल दिया है, वो हमने दिखाया नहीं है क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो रही थी। और देखिए हम आपको ये डिश आउट दिखा रहे हैं, और इसको आप रायते के साथ खाइए, दही का रायता ग्रीन बनाइए या सिर्फ ज़ीरा और लाल मिर्च वाला बनाइए, और लहसुन डाल के बहुत टेस्टी लगता है, तो हम लोग तो उसके साथ खाते हैं। और साथ में सैलेड खाइए, बहुत मज़े की और टेस्टी, तो आप लोग कभी भी इसका मज़ा भूलेंगे नहीं। ये इस तरह की लखनवी बिरयानी बन के रेडी हो गई है, और इंशाल्लाह आप सबको पसंद आई। अगर पसंद आई तो प्लीज़ लाइक चैनल सब्सक्राइब करिए। इंशाल्लाह मिलते अगली रेसिपी से, तब तक के अल्लाह हाफिज़।